हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर एक स्टॉक से रिलेटेड। इसका नाम है यश पक्का लिमिटेड। आपने शायद नाम सुना होगा, नहीं सुना तो आज देख लीजिए इस पर्टिकुलर कंपनी को। क्या करती है, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या टेक्निकल है, क्या फंडामेंटल है, चार्ट क्या कह रहे हैं, एज वेल एज फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, क्या शेयर को लेना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, उन्हीं सब चीजों से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं। यश पक्का की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ये जो कंपनी है ये स्पेशलिटी पैकेजिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड द ट्रेडिंग इन स्पेशलिटी पेपर्स एंड मोल्डेड टेबल वेयर प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। अगर हम इन शॉर्ट बात करें, पैकेजिंग कंपनी है। द कंपनीज प्रोडक्ट ऑफरिंग कॉम्प्राइजेस पैकेजिंग मटेरियल एंड सॉल्यूशन लो ग्रामेज एमजी इंडस्ट्रीज। तो अलग अलग तरीके के यहाँ पर ये पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाती हुई दिखाई देती है। 88% यहाँ पर पेपर से और 12% यहाँ मोल्डेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर आता है इनका रेवेन्यू। जियोग्राफिकल की बात करें, इंडिया से 83, बाकी यहाँ पर आउटसाइड वर्ल्ड से यहाँ पर 70। तो इसका मतलब एक्सपोर्ट भी करती हुई नजर आती है। क्लाइंट की बात करें तो मोस्टली जितने भी जहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर जो जिसमें पिज्जा रख के आपके पास आता है, एज वेल एज जिसमें कैरी करते हैं, वो सारे के सारे जो पैकेजिंग प्रोडक्ट्स है वो कौन बनाता है, यही कंपनी बनाती है। और यहाँ देखिए, स्टारबक्स, पिज्जा हट, KFC, कॉफी CCD, मैकडोनल्ड्स, सोशल फ्लरी, हल्दीराम, चाय पॉइंट और भी बहुत सारी। तो यहाँ पर जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये क्या है इनकी, ये सारी की सारी इनकी पैकेजिंग यहाँ पर क्लाइंट है। ओके, अच्छा खासा ग्लोबल प्रेजेंस है। ओके, और अच्छा खासा कंपनी यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। आप चाहो तो एक बार इनकी वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स से रिलेटेड पता चलेगी कि कंपनी किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है, और एक आइडिया आपको लग ही गया होगा ये पैकेजिंग से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स है ओके यही कंपनी बनाती है। देखिए जी, ऐसे चाय यहाँ पर इस तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं इस पैकेजिंग में। तो ये जो पैकेजिंग है, जिस तरीके की जो प्रोडक्ट्स है, ये देखिए पेपर बैग्स, ओके, ये सारे के सारे क्या है, यही कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए, आर फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्ट्स कंपोजिट प्रोडक्ट री रूटेड 400 टन ऑफ एग्री वेस्ट। तो यहाँ पर क्या है, जितना भी वेस्ट होता है, एग्री वेस्ट हो गया या फिर इधर उधर से जो, अगर मैं बात करूँ जो गोबर वगैरह होता है, उन सभी जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर पैकेजिंग के लिए बनते हुए दिखाई देते हैं, ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। काफी अच्छी कंपनी है, जाके एक बार पढ़िए इनसे रिलेटेड तो आपको पूरा का पूरा आइडिया लगता हुआ नजर आएगा कि कंपनी यहाँ पर क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल से रिलेटेड। तो यहाँ देखिए, कंपनी का पी 8 पे का है, इंडस्ट्री का पी 12 का है, कहीं ना कहीं सस्ता नजर आता है। बट याद रखिए, पी के बेस पे कभी काम नहीं करना। आरओसी आरओई बेहतरीन दिखाई दे रखा है, लॉन्ग टर्म का हमारा कोई विजन नहीं है। 46% का यहाँ पर डेट यहाँ पर कंपनी के ऊपर है, 411 करोड़ रुपए की कंपनी। अगेन माइक्रो कैप कंपनी है, जब माइक्रो कैप की बात करता हूँ तो पैसे यहीं बनेगा, जब मैं माइक्रो कैप की बात करता हूँ कि रिस्क भी साथ में इन्वॉल्व है, और जहां पर रिस्क होगा वहीं पर ही इश्क होगा, आपने सुना भी है डायलॉग। तो यहाँ पर हम बात करें, 400 करोड़ की जरूर कंपनी है बट पैसा भी यहीं पर बनेगा। 138 का 52 वीक हाई है, ओके, 187 का इंट्रेंसिक वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक भी जाता है तो आपके पैसे लगभग 50-60% यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, अच्छा खासा है। बट याद देखिए, ये कभी शेयर ऐसा था तो यहाँ पर गिरा, कंसोलिडेशन, फिर भागा गिरा, इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतरीन। यहाँ देखिए, कंपनी लगातार बैक टू बैक अच्छे रिजल्ट पेश कर रही है। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी 115 करोड़ की हाईएस्ट एवर सेल्स है पिछले 12 क्वार्टर में। 27 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 16 करोड़ रुपए का, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स आ रहे हैं, हाईएस्ट एवर मार्जिन आ रहा है। जब सब चीज हाईएस्ट एवर है तो शेयर प्राइस को भी हाईएस्ट एवर होना चाहिए कि नहीं, आप खुद यहाँ जाके सोचिए। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर शेयर प्राइस भी अब भागता हुआ नजर आ सकता है। सेल्स की बात करें, ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा, कंपनी नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखिए अच्छा खासा आ रहा है, हाईएस्ट एवर पिछले 12 क्वार्टर का यहाँ पर प्रॉफिट, सॉरी 12 महीने का प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए, बैलेंस शीट कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बोरिंग कम हो रही है, 32 करोड़ रुपए वर्किंग प्रोग्रेस में खर्च कर रखे, और जैसे ये वर्किंग प्रोग्रेस जो कैपेक्स है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा, कंपनी की दोबारा यहाँ पर सेल्स और प्रॉफिट यहाँ पर सब बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो बेहतरीन चीज नजर आती है। एज वेल एज यहाँ पर हम बात करें और भी कुछ चीजों की, तो कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट 7 करोड़ का, और कैश की बात करें तो यहाँ पर 15 करोड़ का कैश भी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कंपनी का इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर साल में टर्न अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है, और ये टर्न अराउंड इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए अच्छा मील का पत्थर साबित हो सकता है। यहाँ देखिए, 45% के शेयर थे, अब अभी 49% के शेयर कंपनी के पास है। FIs की बात करें, FIs कभी थे यहाँ पर, लगातार उन्होंने बेच दिए शेयर, ओके, बट
शायद मेरे हिसाब से गलती करती है। डीआईएस की बात करें, डीआईएस है नहीं। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास यहाँ पर 50% है, 50 अभी कुछ बड़े नाम है जो कि यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एफआईज जो और डीआईज छोटी कंपनीज में इन्वॉल्व बहुत कम होते हुए नजर आते हैं। होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो हमें कोई परेशानी नहीं है। ऐसे शेयर फिर भी भागते हुए नजर आते हैं। क्यों भागते हुए नजर आते हैं? क्योंकि बड़े बड़ी जो कंपनीज है, बड़े बड़े जो यहाँ पर ब्रोकिंग फर्म्स है, बड़े बड़े हम बात करें एचएनआईज है, वो यहाँ पर शेयर को लेते हुए नजर आते हैं। तो आपको डरने वाली बात नहीं है। ओके, तो मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन पीरियड था, उस पर्टिकुलर पीरियड से अब ये शेयर भागता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पर देखिए कंपनी अच्छे खासे रिजल्ट, सब कुछ अच्छा खासा है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं देते। रिजर्व्स बढ़ रहे हैं कंपनी के बोरिंग कम हो रही है, कैपेक्स बढ़ा रखा है, यहाँ पर रिजर्व्स है कंपनी का, कैश कैश भी पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर अच्छा खासा प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो ये सब चीज पॉजिटिव है। अब बात करते हैं चार्ट की, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। यहाँ पर जाके वीडियोज देखे, सीखे एक एक करके, यहाँ पर जितना प्रैक्टिस करोगे, याद रखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसमें कोई दोराय नहीं है, बट प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क को कर लोगे तो अच्छी बात रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियोस को देखनी है, सीखना है, और सीखने का दूसरा तरीका है सबसे आसान और सबसे अच्छा और सबसे जो कोर्स मार्केट में 1 से 2 लाख रुपए का बिक रहा है आपको 17,500 में, ये ओल्ड फीस थी, 17,500 में 1-to-1 क्लासेस, आप और मैं जितने क्वेश्चन पूछने उतने क्वेश्चन मार्केट से रिलेटेड पूछिए। ये पूछे कि देखिए पूछने का, मेरे केमिस्ट्री के टीचर हुआ करते हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पर केमिस्ट्री का मतलब है WH फैमिली, मतलब W से जितने भी क्वेश्चंस, व्हाट हाउ, मतलब कैसे, यहाँ पर ये जो क्यों क्या कैसे किस लिए, ये जब तक नहीं पता चलेगा तब तक यहाँ पर पैसे नहीं बनेंगे। और सेम अप्लाई होता है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कि यहाँ से ही क्यों लेना था, यहाँ पर क्यों भागा, यहाँ पर से क्यों गिरा, यहाँ पर बेचना क्यों था, अब मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर से ही लेना क्यों अच्छा है, तो ये जब तक क्यों क्या कैसे किस लिए किसके लिए, जब तक इस तरीके के क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं उपजेंगे तब तक पैसा नहीं बनेगा। तो 17,500 में कोर्स कर लीजिए, सब कुछ समझाया जाएगा, एक टू एक एक चीजें यहाँ पर बताई जाएगी, क्यों यहाँ से चीजें भागेगी, क्यों यहाँ से चीजें गिरेगी, क्यों यहाँ पर टेम्परेली गिरावट है, क्यों यहाँ पर चीजें भागती हुई नजर आएगी। साथ में बेसिक्स टू एडवांस, टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, सब कुछ सिखाया जा रहा है। 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग दी जाएगी, ओके, कोई इशू हो कोर्स के बाद भी इतना आके पूछिए, और लाइफ टाइम एक रिलेशन ही बिल्ड हो जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन नोट्स दिए जा रहे हैं, 8860540501, 8169261037 इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें और कोर्स अपनी सीट को बुक करें और यहाँ पर हमारे साथ सीखना शुरू करें। एज वेल एज आपको पता है हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, इन्हीं नंबरों पर यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके 1,000 रुपये पर मंथ में आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ पर 1 तारीख से इसकी भी फीस 1,200 रुपये पर मंथ हो जाएगी, तो यहाँ पर 1,000 रुपये देने हैं, ओके, और 1,000 रुपये दे के यहाँ पर आप हमारे साथ ऐड हो सकते हैं। इसमें क्या फायदा होगा, इसमें जितने भी अच्छे स्टॉक्स होते हैं पहले ही आपको मिल जाते हैं, ओके, आप उनका चार्ट देखिए, और बीच बीच में डालता रहता हूँ, चार्ट भी डालता रहता हूँ, वहाँ पर आप देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटी सी रिस्क रख के यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है। और जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, यहाँ पर हम आपके लिए काम करते हुए नजर आते हैं, कब लेना है, कब बेचना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, किस में क्या लेना है, वो सब चीज यहाँ पर आपको बताई जाएगी। अब बात करते हैं चार्ट से रिलेटेड, चार्ट की बात करें तो बेहतरीन चार्ट है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे कि जैन 2021 से लगभग 2 साल होते हुए नजर आ रहे, एक कंसोलिडेशन पीरियड में चीजें निकल रही है, और आज उसका यहाँ पर अब देखोगे तो ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर एक स्क्वाट बनता हुआ नजर आ रहा है। आप जब कोर्स को ज्वाइन करेंगे क्या स्क्वाट होता है मैं आपको बताऊंगा, और इस स्क्वाट में यहाँ पर छोटी सी रिस्क के साथ यहाँ पर चीजें यहाँ पर अच्छी नजर आती है। 105 रुपए का, या फिर अगर मैं बात करूं 104 रुपए का, आप एक स्टॉप लॉस लो और स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर चीजों को कैरी करो, और मुझे लगता है कि जैसे ही ये शेयर इस पर्टिकुलर लाइन से यहाँ पर भाग निकलेगा, ओके, 110 111 का लेवल, और एग्जैक्ट लेवल बता दूं तो 111.50 रुपए ये वाला लेवल निकालेगा तो शेयर सबसे पहले भागता हुआ नजर आ रहा है इस लाइन के पास, ओके, यहाँ पर से आपको सीधे सीधे 10 से 12% के रिटर्न मिल रहे हैं। और अगर शेयर यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो 28% इससे निकलती था, 28% का दूसरा टारगेट है, और चीजें यहाँ रुकने नहीं वाली, क्योंकि जिस तरीके से चीजें यहाँ पर चल रही है और एक साथ चीजें भागती हुई नजर आती है, तो आपने देखा होगा कि कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में यहाँ पर आपको 100-200% के रिटर्न बनते हुए नजर आते हुए दिखाई देते हैं। तो सेम यहाँ पर भी देखोगे 66 रुपए से 141 रुपए, तो 150% का यहाँ पर रिटर्न। सेम यहाँ पर जब चीजें भागेगी तो आपको वही रिटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, मेरे पास ये शेयर नहीं है, बट मैं इस यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ,
और वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे शेयर लेना है कि नहीं, मुझे अच्छा लगेगा, मैं डेफिनेटली यहाँ पर कैरी करूंगा। और फिर उसके बाद आप देखोगे एक विटनेस कि यहाँ पर विटनेस बनोगे इस पर्टिकुलर शेयर में एक अच्छी खासी तेजी का। तो इस शेयर की तरफ ध्यान देना है, फंडामेंटल अच्छे है, सब कुछ अच्छा है, नंबरों को नोट कर लीजिए हमारे नाम से और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, कोर्स कर लीजिए। एक बार कोर्स करोगे लाइफ टाइम के लिए कोर्स काम आएगा, किसी मार्केट में काम आएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।